सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ डाकोर जी भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक है। यहाँ पर बनारण छोड़ जी का मंदिर न सिर्फ अपनी शिल्प कला के लिए जाना जाता है बल्कि भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत ही अनोखी बात जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में स्थित भगवान कृष्ण की मूर्ति को द्वारिका से चुरा कर यहाँ लाया गया था। मंदिर से जुड़ी कथा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार डाकोर जी के मंदिर की मूर्ति द्वारिका से लाई गई थी, जिसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बाजे सिंह नाम का एक राजपूत डाकोर में रहता था। वह भगवान रणछोड़ का बड़ा भक्त है। वह अपने हाथों पर तुलसी का पौधा उगाया करता था और साल में दो बार द्वारिका जाकर भगवान को तुलसी दल अर्पित करता था। कई सालों तक वह ऐसा करता रहा। जब वह बूढ़ा हो गया और चलने फिरने में असमर्थ हो गया, तब एक रात उसके सपने में भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने उससे कहा कि अब द्वारिका आने की कोई जरूरत नहीं है और उसे द्वारिका के मंदिर से भगवान की मूर्ति उठाकर डाकोर जी लाने को कहा। बाजे सिंह ने भगवान के बताए हुए तरीके से आधी रात में द्वारिका के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके भगवान की मूर्ति वहां से चुरा ली और यहां लाकर स्थापित कर दी। मूर्ति पर आज भी है भाले का निशान। कहा जाता है कि सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तब मंदिर से मूर्ति गायब होने की बात पता चली। यह बात जानने पर मूर्ति को ढूंढना शुरू किया गया। यह बात पता चलने पर बाजे सिंह ने भगवान की मूर्ति यहाँ एक तालाब में छिपा दी। कहते हैं मूर्ति को ढूंढने के लिए भालों से तालाब में टटोला जाने लगा, जिसके दौरान भाले की नोक मूर्ति में चुभ गई, जिसका निशान आज भी उस मूर्ति पर मौजूद है। काले पत्थर की बनी है यहाँ की मूर्ति। रणछोड़ जी की यह मूर्ति द्वारकाधीश की मूर्ति के जैसी ही है। मूर्ति से निचले हाथ में शंख और ऊपर के हाथ में चक्र है। काले पत्थर की यह मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, बहुत ही सुंदर और भव्य है। मंदिर के पास बना है गोमती तालाब। डाकोर जी मंदिर के पास ही गोमती तालाब है, जिसके तट पर अंकनाथ महादेव का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के परिसर में ही बाजे सिंह का एक छोटा सा मंदिर भी है। इस मंदिर में प्रभु अपने भक्त से साथ विराजित हैं और यह बात भी इस मंदिर को खास बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।